हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। कल ये जो प्रैक्टिस सेट 4 था उसका मैं सॉल्यूशन अभी आप लोग को बता देता हूँ। देखो, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता नहीं है। जैसे कल मुझे कोई मैसेज किया था कि उसको ये पेपर मिल नहीं पाया था, तो आप लोग सबसे पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो ये सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। ये पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन था कि दो कैंडिडेट थे किसी चुनाव में, ए और बी। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ये पेपर को सॉल्व नहीं किया है ना, वो सबसे पहले क्या करिए, टेलीग्राम में जाइए। ये पेपर आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, वहां से इसे डाउनलोड कर लो पेपर को, और सबसे पहले खुद से सॉल्व कर लो। टोटल 12 प्रश्न है। इस 12 के 12 क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करके देख लो, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हो गया तो अच्छी बात है, पर नहीं हो रहा है ना, तो यहां पर आके आप सॉल्यूशन चेक कर लो, आपका आंसर कितना आ रहा है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है, ये मैच कर लेना यहां से। ठीक है, पहले एक बार देख लो, आप ये पेपर डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू कैंडिडेट्स थे, ए और बी। ठीक है, इन लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें से 20% जो टोटल वोटिंग का वोट था वो इनवैलिड हो गया था। ए गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट और जीत गया चुनाव 28,800 वोट से। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखना, मैं बहुत आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मान लो कि टोटल जो वोट है वो 100% है, ये 100% है। इस 100% में से ये टोटल वोटिंग है ना, ये टोटल वोटिंग है, इसमें से 80% जो वोट है वो क्या रहा, वैध रहा, वैलिड था। तो 20% जो वोट है वो इनवैलिड चला गया होगा, अवैध वोट रहा होगा, इनवैलिड। अब ध्यान से देखना, इस 80% में से, ये 80% कैसा मत है, वैध मत है। इस 80% में से ए को मिला 60%, ए को 60% मिला, 60% मिला, तो बी को मिला होगा 40%। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि 60 का 80 मतलब 60% 80% का कितना अंश है, कितना भाग है, ये निकाल लेते हैं, है ना। 60% ऑफ 80% निकाल लेते हैं। तो इसका निकालने का तरीका, दो जीरो कट हो जाएगा, 8 × 6 = 48, तो ये 48% हो गया। और 40% 80 का, है ना, 80% मतलब निकालना है 40% ऑफ 80% निकालना है, तो ये हो जाएगा 8 × 32। अभी 32 और 48 को जोड़ के देख लो, 80 आ रहा होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। देखो, हम लोग शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर वो एमसीक्यू परीक्षा है, तो अगर आप लॉन्ग कट से करने बैठोगे तो 4-5 क्वेश्चन आपका छूट जाएगा हर एक क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन को आप 5 मिनट में सॉल्व करें तो आगे वाले 5 क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से कम समय में कर लेना है, और ये सब करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको लॉन्ग कट से नहीं बता रहा हूँ सॉल्यूशन, मैं शॉर्टकट से बता रहा हूँ, और एग्जाम में आपको शॉर्टकट मेथड से ही करना है। चलिए देखिए, जहां समझ में नहीं आया कमेंट करके पूछ लेना। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि वो 28,800 मत से जीता है, मतलब ये 48% और 32% के बीच का जो गैप होगा वही 28,800 है। तो निकाल लो, 48 में 32 घटा दो तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो ये 16% जो है 28,800 के बराबर है। तो 1% कितना होगा, ये 16 इधर पक्षांतर कर दो, काट दो, तो 1% हो जाएगा 28,800 बटे 16। तो इसको काट लो, इसको काटने से आ जाएगा, ये 18 बार में कट रहा है, 1800 आ गया। 1% 1800 के बराबर है, तो 100% क्योंकि मुझे ये निकालना है ना, मुझे तो ये निकालना है, 100% हो जाएगा 18,000 × 100, तो आंसर आ जाएगा 1,80,000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो, बहुत लोग को समझ में तो आया नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं समझ में आया होगा शॉर्टकट से, क्योंकि उनकी इस मेथड से प्रैक्टिस नहीं है। वो लॉन्ग कट में करे होंगे, लेकिन लॉन्ग कट करने में ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट या 5 मिनट लग जाएगा, आपको 1 मिनट में करना है। प्रैक्टिस है तो 1 मिनट से कम समय में इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाता है। मैं एक बार और बता देता हूँ जिनको प्रॉब्लम है। टोटल मैंने मान लिया कि 100% जो है ये मतदान हुआ, इस 100% में से 80% जो मतदान है वो वैलिड था, तो 20% इनवैलिड था। अब प्रश्न में बोला है कि ए को
60 प्रतिशत मिला, किसका? वैध मत का। तो 80 प्रतिशत का उसे 60 मिला, है ना, 80 प्रतिशत में से 60 मिला, तो निकाल लो 60 प्रतिशत ऑफ 80, 60% ऑफ 80 निकाल लो। फॉर्मूला क्या था, 60 गुड़ा 80 बटे 100, ये फॉर्मूला था, ये दो जीरो कट गया, तो 8 छक्का 48, ठीक। इसी प्रकार से बी को 32 प्रतिशत आया, इन दोनों के बीच का अंतर आपको दिया है 28,800 प्रश्न में, ठीक। तो 1% निकाल लो 1800 आ गया, 100% निकालना है, 100 से दोनों पक्ष में गुणा कर लो तो 1,80,000 आ गया, मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो जिनको भी डाउट है ना वो थोड़ा इनिशियल बेसिक पे ध्यान दे, बेसिक को पढ़ो तो ही मैथ्स अच्छा होगा, और किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में मैथ्स का जो वेटेज है वो 25% से स्टार्ट होकर 35% या कभी कभी 40% तक जा सकता है, ध्यान से करिएगा मैथ्स अच्छे से करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। दूसरा क्वेश्चन था, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 68 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब कोई मान लो एक्स टोटल मतदान हुए, इस एक्स में से 68 जो वोट है, प्रतिशत नहीं है भाई इस बार ना, 68 जो वोट्स हैं वो इनवैलिड है, इनवैलिड है। मैंने मान लिया कि ये वाई जो है ये वैलिड वोट है, ठीक। अब यहां पर फिर से परसेंटेज मुझे दिख रहा है, तो मैं इस वाई को बोल देता हूं यही 100% है, मैंने वाई को मान लिया 100%, ध्यान समझना। तो जो मुझे एक्स आने वाला है वो 100% धन 68 होगा, जो मुझे निकालना है एक्स, ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अब क्या बोला है, विनिंग कैंडिडेट जो जीता है उसको 52% मिला है, तो जो हारा होगा उसको 48% मिला होगा। अब ध्यान से देखना, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4% का, ये 4% बराबर प्रश्न में दिया है 98, तो 1% निकाल लो यार, 1% हो जाएगा 98/4, तो 100% निकाल लो, 100% हो जाएगा 98/4 × 100, अभी तो देखिए ना दोनों पक्षों में 100 गुणा करके इसको काट लो, तो ये 25 बार में कट गया, अब ये 98/25 कर लो, तो 98/25 कर लो, तो 98/25 करने से 2450 आ जाएगा, 2450, लेकिन ये 2450 आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो वैलिड मत निकला ना, मुझे एक्स चाहिए, एक्स क्या था, वैलिड मत धन इनवैलिड मत, तो दोनों को ऐड कर दो, इस 2450 में 2450 में 68 और जोड़ दो, तो 8, 6, 5, 11, 4, 1, 5, 2, 25, 18, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं समझाने नहीं बैठूं, सॉल्व करूं तो मुश्किल से 30 से 40 सेकंड के बीच में ये क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा, और आपसे भी बनेगा, अगर आपको तरीका पता है तो आप इसे 30 से 40 सेकंड में कर लोगे, अगर इसको एक्चुअल कैलकुलेशन करने बैठोगे तो 3-4 मिनट लग जाएगा, है ना। तो आपकी प्रैक्टिस और शॉर्टकट तरीके, परसेंटेज यूनिट मेथड, ये जो मैं कर रहा हूं ना, देखो ये यूनिट मेथड ही तो है, यूनिट मेथड, मैंने इससे पहले जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था तो भी मैं यूनिट मेथड का ही यूज कर रहा था, तो यूनिट मेथड जो है ना हर जगह यूज हो जाता है यार, कुछ जगह ही बसते जहां पर आप यूनिट मेथड नहीं लगा पाते, ठीक। जैसे यहां पर भी मैंने कौन सा मेथड लगाया, यूनिट ही तो लगाया, यूनिट मेथड, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25-18। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक उम्मीदवार 25% स्कोर किया और 30 अंकों से फेल हो गया, है ना। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में हमेशा दिखाई देते हैं, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करके समझना। अब देखो परीक्षा में एक होता है अधिकतम अंक, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्स मार्क्स, अधिकतम अंक को मैंने मान लिया एक्स, अधिकतम अंक, अधिकतम मतलब जैसे परीक्षा अगर 500 मार्क्स का हो रहा है, जैसे 10वीं का परीक्षा 600 मार्क्स का होता है, तो 600 अधिकतम अंक है। अब इसका कोई पासिंग मार्क्स होता है ना, तो ये अधिकतम अंक है, ऐसे मान लो ये 100 मार्क्स का पेपर हुआ तो 100 अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम अंक दिया है एक्स मैंने मान लिया, और एक होता है पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए मार्क्स, इसको मैंने वाई मान लिया। अब ध्यान से देखना, इसी पे ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। अब क्या बोल रहा है, एक कैंडिडेट 25% मार्क्स पाया तो किसका पाएगा, अधिकतम का 25% पाया ना, अधिकतम का 25% पाया, और 30 अंक से फेल हो गया, मतलब पासिंग मार्क्स ज्यादा रहा होगा, तो पासिंग मार्क्स में 25% ऑफ एक्स को घटा दो तो 30 आ जाएगा, ये समीकरण एक हो गया। अब क्या बोलता है, कोई दूसरा कैंडिडेट वो 50% मार्क्स पाया,
तो 50% मार्क्स पाया और 20 अंक ज्यादा है उसके मिनिमम पासिंग मार्क्स से, ठीक है। मतलब वो एक कैंडिडेट 50% अंक मिला उसको और वो जो है 20 मार्क्स ज्यादा पाया, किससे? पासिंग मार्क्स से। तो अब क्या निकाल देना अपने को, x का 50% निकाल दो और y इस बार कम है तो घटा दो, तो 20 आ जाएगा, ये समीकरण दो। अब हमसे क्या पूछ रहे भैया, अधिकतम अंक बता दो, अधिकतम अंक मतलब x बता दो। तो ये दो समीकरण को आप जोड़ दो तो ये धन y और ऋण y कट हो जाएगा, y तो चाहिए ही नहीं, क्या चाहिए, मैक्स मार्क्स चाहिए मतलब x चाहिए, तो x ऐसे निकल जाएगा। ये 50x है और ये 25x है, ये भी घट जाएगा, 50 से 25 गया तो 25x/100 आएगा, ये घट के, ये वाला पोर्शन घट के, अब 30 और 20 जुड़ जाएगा 50। अच्छा ये घटा क्यों, क्योंकि एक माइनस साइन है और एक में प्लस साइन है इसलिए घट गया। अब इसको काट लो, 25 से कम, 25 दूनी, अब 100 2 जा, तो x बराबर हो जाएगा 200, मतलब जो मैक्स मार्क्स है वो कितना है, 200 है, मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब आपसे अगर प्रश्न में पूछ देता कि पासिंग मार्क्स क्या है, y कितना है, तो निकाल लो भाई, यहाँ पुटअप करो, समीकरण एक पे पुटअप करो और निकाल लो। थोड़ा रफ कर देता हूँ, वैसे आंसर हमारा आ चुका है ना, जो क्वेश्चन पूछा वो निकल गया है, लेकिन अब जो कुछ और काम अगर एग्जाम में बोल दे, अगर y निकाल दो तो कैसे करोगे, उसको भी सिखा देता हूँ यहीं पर। ये देखो, यहाँ पुटअप कर दो x का वैल्यू, तो 200 का 25% कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, 200 का 1/4 हो जाएगा 50, तो यहाँ 50 पुटअप कर दिए, 50 को इधर पक्षांतर कर दिया तो -50 इधर जाके +50 हो जाएगा, 30 से 50 जोड़ दो तो y बराबर 80 आ जाएगा, मतलब पासिंग मार्क्स कितना है, 80। समझ गए आप, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोलता है, दो ट्रेन है, एक 40 की स्पीड से चल रहा है और एक 20 की स्पीड से चल रहा है और सेम डायरेक्शन में चल रहा है, एक ही दिशा में, एक ट्रेन इधर चल रहा है दूसरा ट्रेन भी इधर चल रहा है, सेम दिशा में है। जब भी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनके जो रिलेटिवली स्पीड होते हैं, रिलेटिव स्पीड, ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, मतलब इसका जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगा 40 माइनस 20 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड पता चल गया, अब हमने को ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फास्ट ट्रेन कंप्लीटली पासेज अ मैन सीटिंग इन द स्लो ट्रेन इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में पास कर लेता है, तो समय आपको 5 सेकेंड में दिया है, ठीक है, और ट्रेन की लंबाई मीटर्स में दिया है, तो ये जो स्पीड है ना किलोमीटर पर आवर में, इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से इसको गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा आंसर मीटर पर सेकंड में, तो इसको गुणा कर लो, ये हो गया दो बार में कट गया, तो 10 × 5/9 तो 50/9 ये मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड आया, ठीक। अब देखो आगे, अब तो काम खत्म ही हो गया है, यहां सॉल्व कर देता हूं मैं। हमको पता है डिस्टेंस या लेंथ बराबर होता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यही तो फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस मतलब ट्रेन का लेंथ है, लेंथ बराबर हो जाएगा कितनी स्पीड है, तो स्पीड है 50/9 और लेंथ टाइम कितना दिया है 5 सेकंड, इसको गुणा कर लो, 50 × 5 हो जाएगा 25, 250/9 यही आंसर है। अच्छा ये फ्रैक्शन में दिया है तो इसको थोड़ा काट लो, और 9 × 1 = 9 × 2 = 18, 18 में 25 घटा दो 7 आ गया तो 70 हो गया, 6 बार में और कट जाएगा, 7 बार में 9 × 7 = 63 होता है, 7 बार में तो ये 27 हो गया, 7/9, 27 सही 7/9 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सारे क्वेश्चन जो है ना ये व्यापम के लेवल के क्वेश्चन है, इसी प्रकार एग्जाम में आपको दिखाई देगा, ठीक, पहले ये दिमाग में रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसी लेवल का आएगा। अब आपको ये सब क्वेश्चन बहुत जल्दी करना है, बहुत जल्दी जल्दी तब बनेगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बट्टा वाला है, बट्टा मतलब जिसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, सक्सेसिव डिस्काउंट, ये व्यापम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसमें 3 तरह के डिस्काउंट दे रहा है, 50%, 40% और 20%, 3 क्रमिक छूट है ना, सक्सेसिव छूट है। इसका फॉर्मूला याद रख लेना, P+Q - PQ/100, ये फॉर्मूला है। अगर दो डिस्काउंट दिया है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुटअप करके आंसर आ जाएगा, लेकिन 3 दिया है तो 2 बार करना पड़ेगा काम को, तो कैसे, एक बार 50 को P मान लो और 40 को Q मान लो, पुटअप कर दो, 50 + 40,
पचास पांच कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा बटे 100, ये कट हो गया, तो 50 40 90 हो गया, 90 में 20 घटा दो 70 आ गया। इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर कितना आ गया 70। अब ये बचा 20, अब इसको P मान लो और ये 20 को Q मान लो, तो फिर से फॉर्मूला पुट अप कर लो, 70 धन 20 माइनस 7 दूनी 14 और 2 0 और बटे 100, तो इसको माइनस कर दो, 20 में 40 गया कितना आ गया, 20 में 14 गया तो आ गया 6, तो 76% इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस। एमपी में 10% का वो डिस्काउंट दिया लेकिन उसको 12% का प्रॉफिट हो गया, तो क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का रेशियो निकालना है। देखो बहुत आसान प्रश्न है ये भी, बहुत आसान है। देखो मान लो एमपी मार्क्ड प्राइस, जिसको हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं, अंकित मूल्य दिया है 100x, ले लो अंकित मूल्य को 100x परसेंटेज में है ना, इसलिए मैं 100 मान लिया, तो कितने में बेचेगा, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में 10 घटा दो तो 90x में उसने बेच दिया, ये क्या हो गया, बेचने वाला प्राइस हो गया एसपी। इसी प्रकार सीपी को मान लो कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, लागत मूल्य को मान लो 100y। अब 12% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो एसपी जो आएगा उसमें 12 जोड़ देना तो 112y आ जाएगा, तो ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, दोनों तो सेम है ना, तो दोनों को बराबर कर दो, 90x बराबर 112, या ऐसे लिख लो 112y बराबर 90x, ये लिख दिया। क्या निकालना है, लागत मूल्य बटा अंकित मूल्य, तो लागत मूल्य यहां रखो या अंकित मूल्य को इधर ले आओ, और ये 90 बटा 112 हो गया, बस इसको काट लो, यही रेशियो है, यही तो निकालना है, काट लो 45 और 56, तो सही आंसर हो जाएगा 45 बटा 56। तो एमपी कितना था, 100x था ना, तो यहां भी 100 से गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आखिर 100 कट जाएगा, तो यही आंसर होगा 45 बटे 56। क्वेश्चन नंबर 6-7, सेंसस 2011 के अनुसार आपको बताना है कि कौन से स्टेट में हाईएस्ट लिटरेसी है, कौन से राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो इसका आंसर है केरल। अगला प्रश्न है, यहां कोई स्टेटमेंट आपको दिया है कि गंगा सागर जो आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में है, और दूसरा स्टेटमेंट बोला है कि इस बे ऑफ गंगा सागर आइलैंड में या बे ऑफ बंगाल में मैंग्रोव का रीच आपको स्वैम्प्स मिलेगा, और यहां पर बंगाल टाइगर का घर भी है, तो दोनों ही स्टेटमेंट तो सही है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा सही, जो गंगा सागर आइलैंड है ना वो वेस्ट बंगाल वाले, एक वेस्ट बंगाल मतलब बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में एक आइलैंड है, वहां पर आपको दिखाई देता है, वहां पर है इसकी अवस्थिति, और यहां पर बहुत मैंग्रोव का मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे पेड़ जो खारे पानी में उगते हैं, ठीक है, तटीय इलाकों में आपको दिखाई देगा, समुद्र के किनारे इलाकों में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि टीक और साल एग्जाम्पल है कौन से फॉरेस्ट के, सागौन और साल कौन से जंगलों के उदाहरण है, वन के उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपति वन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इसमें से कौन सा एसिड रेन का मेजर कॉज है, एसिड वर्षा, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओके सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी आपको याद रखना है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी आपको याद रखना है, ये भी मेजर कॉज है एसिड रेन का, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब मेजर कॉज है। अगला प्रश्न है द सदर्न मोस्ट पॉइंट पेनिनसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी। अच्छा देखो सबसे पहले एक हम लोग छोटा सा ग्लोब बना लेते हैं, ये छोटा सा ग्लोब हो गया, ये बीच में इक्वेटर हो गया, इक्वेटर 0 डिग्री वाला, इक्वेटर को हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ये हम लोग भारत का मैप बना लेते हैं थोड़ा सा, ये भारत का मैप हो गया यहाँ पर ऐसे, ये मुझे एग्जैक्टली तो बनेगा नहीं, ये बना दिया मैंने,
अब भारत का मैप हो गया, यहां से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करा दिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा बोलते हैं, यहां से मकर रेखा पास करा दिया, मकर रेखा, ये मकर हो गया, ये कर्क हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गया, ये भूमध्य हो गया। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, कर्क रेखा के उत्तर में है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है, ये कन्याकुमारी, ये कन्या, कन्याकुमारी तमिलनाडु में, ठीक है। अब देखो कर्क रेखा के उत्तर में है, तो कर्क रेखा के उत्तर में तो नहीं है, कर्क रेखा के दक्षिण में है, ये गलत है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो ये भी गलत है। मकर रेखा, ये राशि नहीं, मकर रेखा के दक्षिण में है, मकर रेखा के उत्तर में है, ये तो ये भी गलत हो गया। भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के उत्तर में है आपका कन्याकुमारी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है जो है उसको देख लो कि जो इनमें से कौन सा जो पासेस है, पास है, दर्रा बोलते हैं इसको हिंदी में, कौन सा दर्रा जो है वो नीलगिरी हिल्स में, ठीक है, मतलब ये साउथ साइड है, तो जो साउथ साइड है वो है पालघाट, इसको याद रख लेना, पालघाट, ये केरला तमिलनाडु क्षेत्र में आपको दिखाई देगा, ये भोरघाट और थालघाट दोनों महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, बोलन जो है आई थिंक ये राजस्थान में है, ये याद रख लेना, बस ये तो याद रख लो, ये दोनों महाराष्ट्र में है, भोर और थाल, बोलन आई थिंक राजस्थान में है। तो हमने आपको, मैं कल 12 क्वेश्चन दिया था और ये 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो देख लो आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं। जिनके भी प्रश्न मैथ्स में 6 में 6 हुआ है उनकी मैथ्स की स्थिति काफी अच्छी चल रही है, और बाकी तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। ओवरऑल जिनका मार्क्स 12 में 8 या 8 से ज्यादा आ रहा है उनका स्थिति काफी अच्छा चल रहा है, जिनका 5 या 8 के बीच में आ रहा है उनकी स्थिति, उनको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, और जिनका मार्क्स 5 से कम जा रहा है उनकी स्थिति दयनीय है, उनको बहुत पढ़ना पड़ेगा किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखो, और मैथ्स स्पेशली मैं आपको बोलूंगा मैथ्स की प्रिपरेशन आप अच्छे से करना चालू कर दो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा खंड है ना, मैथ्स हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में आएगा, मैथ्स ऐसा नहीं कि कुछ सिलेक्टेड में आता है, मैथ्स हर में आएगा, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको मैथ्स दिखाई देगा। सो मैथ्स की प्रिपरेशन आप अच्छे से करिए, रीजनिंग पढ़िए और इंडियन जीएस अच्छे से करिए, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना, कोई सजेशन देना है तो कमेंट करना।